PSL 8 कौन सा खिलाड़ी किस टीम में शामिल हुआ? पाकिस्तान सुपर लीग के एटेंशन के लिए प्लेयर्स के ड्राफ्ट कराची में हो रहे हैं। 6 टीमें 61 मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों का चुनाव कर रही हैं। प्लेयर्स के ड्राफ्ट में 500 से जायद गैर मुल्की और 450 से जायद पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल हैं। प्लैटिनम गैर मुल्की प्लेयर्स में एरोन फिंच, मैथ्यू वेब, शकीब अल हसन, एलेक्स हिल्स, डेविड वली, डेविड मिलान, मुइन अली, तीमाल मिल्स, रूसी वंडर डवसुन, राजा पक्सा, डासुन शनिका, इसारंगा, कैमरून पोलार्ड, एवियन लेविस, आदिल रशीद, रेस टुपली, मार्टिन गप्टिल, जिमी नीशम, तबरेज शमसी और कोलन उनगर्म शामिल हैं। ड्राफ्ट के लिए पाकिस्तानी प्लेयर्स में फखर जमान प्लैटिनम जबकि मोहम्मद हफीज और नसीम शाह डायमंड कैटेगरी में दस्तयाब हैं। अहमद शहजाद, आबिद अली, एहसन अली, अनवर अली, फवाद आलम, सुहेल तनवीर, मूसा खान, मोहम्मद इरफान, उस्मान कादिर और जफर गोहर गोल्ड कैटेगरी में हैं। पीएसएल के ड्राफ्ट की पहली पिंक में लाहौर कैलेंडर्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में फखर जमान को लिया है, जबकि क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में श्रीलंका के स्टार T20 प्लेयर विनिदो हासारंगा को खरीदा है। मुल्तान सुल्तान्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में नसीम शाह को लेना चाहा, लेकिन क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने उन्हें देने से मना कर दिया। ताहम मुल्तान सुल्तान्स ने फिर जनूबी अफ्रीका के डेविड मिलर को ले लिया है। कराची किंग्स ने विकेट कीपर की कमी को पूरा करते हुए ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू वेड को खरीदा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहली पिक में स्टार इंग्लिश खिलाड़ी एलेक्स हिल्स को अपनी टीम में शामिल किया है। पेशावर जलमी ने प्लैटिनम कैटेगरी में श्री लिंकन बीटर भुनोका राजापकसा को और प्लैटिनम की दूसरी कैटेगरी में वेस्ट इंडियन प्लेयर रुअमान पावल को लिया है। प्लैटिनम की दूसरी कैटेगरी में कराची किंग्स ने जनूबी अफ्रीका के इमरान ताहिर और मुल्तान सुल्तान्स ने अलिफलैंड के खिलाड़ी जोश लिनल को अपनी अपनी टीमों में शामिल किया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने प्लैटिनम की दूसरी कैटेगरी की पिंक में अफगानिस्तान के रहमान अल्लाह को टीम का हिस्सा बना लिया है। डायमंड कैटेगरी में टीमों की पिंक क्या रही? पीएसएल की डायमंड की कैटेगरी की पहली पिंक में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अफगानिस्तान के फजल उल हक फारूकी को टीम में ड्राफ्ट किया है। इसी तरह पेशावर जलमी ने भी डायमंड वन की कैटेगरी में अफगानिस्तान के ही खिलाड़ी मुजीब अर रहमान को पिंक किया है। दिफाई चैंपियंस लाहौर कैलेंडर्स ने डायमंड पिंक में वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी ऑलराउंडर हुसैन तलत को टीम में लिया है। क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने डायमंड वन की पिंक में वेस्ट इंडियन खिलाड़ी ओडेन समिथ को लिया है। कराची किंग्स ने डायमंड कैटेगरी की पहली पिंक में इंग्लिश बीटर जेम्स उन्स को टीम में खरीदा, जबकि डायमंड कैटेगरी की दूसरी बारी में भी इंग्लैंड के ही जेम्स फॉलर टीम में लिया है।